हेलो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। माय नेम इज ट्रैक्शन एंड आप लोगों का वापस स्वागत है एक और नई तबाहीदार गेम में, मक्खन गेम में। और आज हम लोग खेलने वाले हैं द हैंड्री स्टिक मैन कलेक्शन। बेसिकली ये गेम क्या है, मैं तुम्हें थोड़ा हिंट दे देता हूँ। बेसिकली हमें यहाँ पर इसमें चॉइसेस लेनी पड़ती है और चॉइसेस के बेस पे हमें अपनी प्रॉब्लम से निकलना पड़ता है। मैं फालतू की बकवास कर रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं। तो हम एक हैंड्री है, मतलब मेन कैरेक्टर। ओके, ब्रेकिंग द बैंक, लूटम लूट मचानी है। ओके, प्ले करते हैं। ऑल राइट, इसी जगह भी बैंक मिल ही जाते अपने को। कहाँ से भाई? ओ ये रहे हम, ही सो क्यूट, वाओ। तो हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए जिससे हमें बैंक, मतलब बैंक के अंदर घुसना है। मतलब एक सेकेंड, बैंक के अंदर घुसना है कि पुलिस के ओके मेरे को व्हाट, रुको। हाँ, बैंक में तो घुसना है, तो हमें बैंक में घुसने के लिए इतनी सारी चॉइसेस दे रखी है। भाई साहब, मैं कौन सा सेलेक्ट करूँ? देखो, बैंक है, गंदी सिक्योरिटी होती है, पुलिस वुलिस आसपास होते हैं। तो अपन देखो, एक शावल है, एक्सप्लोजिव है, टेलीपोर्टर है, लेजर है, रैकिंग बॉल और डिसगाइज। तो मेरे को लग रहा है ना, अगर एक्सप्लोजिव यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली सबको पता पड़ जाएगा, और शवल यूज़ करेंगे तो मे बी ईजी होगा। मैं टेलीपोर्टर यूज़ करना चाहूँगा क्योंकि शायद इससे कुछ अपन टेलीपोर्ट कर पाए डायरेक्ट बैंक के अंदर ही, खजाने में पहुँच जाए। तो वो यूज़ करते हैं। व्हाट द हेल, टेलीपोर्टेशन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए कभी भी फंसा देता है। ओके, लेज़र, लेज़र ट्राई कर सकते हैं गेट को खोलने के लिए। लेज़र ट्राई करते हैं। यस, नो, इतनी मोटी दीवार। ओके मेरे को नहीं पता था गेम, मतलब ओके होती होगी मोटी दीवार, मतलब हाँ बैंक है भाई, अपन गेट ही तोड़ दे, पूरा यही तोड़ देते हैं। ओके तोड़ दो। वॉट, ओके ऑब्वियसली तू इतनी बड़ी क्रेन लेके आएगा तो पुलिस वाले देखेंगे नहीं तुझे। फेल, देर इज नो कंस्ट्रक्शन शेड्यूल फॉर टूडे। ओके, शवल यूज करें। मेरे को पता बेस्ट ऑप्शन ये लग रहा है, पर मेरे को एक बार एक्सप्लोजिव और शवल भी ट्राई करना है क्योंकि अपन एक बोरी बन करके, पैसे की बोरी बन करके जा सकते हैं अंदर। पर शवल यूज करते एक बार। ओके, ओह नो, गेट, ओ भाई, आर यू सीरियस? नेवर डिग स्ट्रेट डाउन, सही है, माइनक्राफ्ट सबसे बड़ा एग्जांपल है। एक्सप्लोजिव, आई थिंक एक्सप्लोजिव काम करेगा, ट्राई करके देख लेते हैं। ओके, ओरे भाई, नाइस, इसकी किस्मत ही ऐसी है। हैंडल विथ केयर, आई थिंक ये वाले ऑप्शन सबसे बेस्ट लग रहा है, तो मैं इसी पे जाऊंगा। बोरी बन के जाएगी हम पैसे की। How did we lose one? I think we just throw it in the back, just to be safe. Just to be safe? कैसे भाई? You ever wonder why there's a bank out here? इसका आंसर मेरे को भी चाहिए। I think it's supposed to be like more of a vault, you know? Oh, that makes sense. इनको पता नहीं है यहाँ पर बहुत बड़ा शातिर चोर है जो कि हम हैं। ओ ओ, पुलिस वालों को पकड़ नहीं था तो हमें ओके अच्छा ये एपिसोड 1 है तो अच्छा अपन ने ब्रेक द बैंक किया इसलिए अपन को पुलिस ने पकड़ लिया। ओके, ओह यू फ्री टू गो, मजाक उड़ा रहा है हमारा बेटा, पिटेगा मी? नॉट रियली, बट यू हैव गॉट अ पैकेज, डोंट गेट योर होप्स अप, वी हैव ऑलरेडी चेक्ड इट फॉर एनीथिंग यूजफुल, हैवंट वी डेव? व्हाट? Yeah, yeah. Are you serious? I mean, if I didn't check it, I'd lose my job. Not only lose my job. तुम किसी कैदी को खाली बक्सा, मतलब बिना चेक किए कैसे दे सकते हो? कुछ भी हो सकता है उसमें, एक्सप्लोजिव टाइप उड़ा देगा तुमको। ओ, केक है,
नहीं, केक के अंदर और भी कुछ चीजें। ओह काफी सारी चीजें। फाइल है, एनर्जी ड्रिंक है, मैं टेलीपोर्टर नहीं यूज़ करूँगा, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। रॉकेट लॉन्चर है, सेलफोन है, ड्रिलर। अपन सेलफोन कॉल करके अपने दोस्त को बुला सकते हैं जो यहाँ पर तबाही मचा सकता है, वो यूज़ करेंगे अपन। Witness, please continue your testimony. Okay. Witness testimony. I was riding alongside my partner in the armored van, but suddenly we spotted a bag on the side of the road. We got out and eventually decided to throw the bag in with the others. We didn't know there was someone hiding in there. Objection! So the defendant crawled into the bag in order to break into the bank. अच्छा तो अपन ने अपने लिए एक लॉयर को कॉल किया था. Is it not obvious? Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Present this evidence already. तो मुझको अपना एविडेंस प्रूफ करना है ना, तो मैंने ये यूज़ किया था, ये प्रेजेंट कर दूँ? नहीं यार, प्रॉब्लम हो जाएगी, रुक जाओ। नहीं, सिक्योरिटी फुटेज। अरे हाँ, सिक्योरिटी फुटेज दे सकता हूँ ना मैं उनको, कि उन लोगों ने। नहीं यार, दे के देखता हूँ यार। टेक दैट। व्हाट इज दिस? इट्स एविडेंस। एंड हाउ एग्जैक्टली डज दिस प्रूव एनीथिंग? Well, I was just kidding. Let me try. This is no time for jokes. I see no reason to further prolong this trial. I find the defendant, Henry Stickman. Guilty? What the hell? नहीं भाई। भाई मेरा लॉयर ही घटिया है। I think मैंने ये बैग यूज किया था तो यही घटता हूँ। Is that the bag the defendant hid in? Yes, but there's one thing that's been bothering me. If the defendant really was hiding in this bag, then how did he tie the knot from the outside of the bag? What? If he was inside the bag, it'd be impossible for him to tie that knot on the outside. But then, how did he do it? It's simple. He didn't. What? What? I'm saying my client wasn't hiding in that bag at all. He was stuffed in there by this very witness. मेरा लॉयर है ना, बेवकूफ बना रहा है सबको। मेरा लॉयर बहुत स्मार्ट है लगे। This is absurd. The witness was attempting to dispose of the body. He left the defendant in the bag, knowing he'd drive by it on the way back to the bank. ये कहाँ हॉस्पिटल वाली बातें कर रहा है? He convinced his partner to throw the bag in with the others. But why would he do that? Why? To dispose of the body, of course. Could you be? The witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness, his victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot. Okay. Come back to haunt him now. You guys can't. You can't. फंसा दिया. फंसा दिया. पुलिस वालों को फंसा दिया हमने. Well, that certainly was an interesting trial. However, I am now ready to deliver my verdict. I find the defendant, Henry Stickman, not guilty. Yes. मेरा लॉयर एकदम परफेक्ट निकला, मतलब मेरी चॉइसेस एकदम परफेक्ट, लॉयर तो घटिया ही था। ओ ये मैं कहाँ गया? इसके दिमाग में फिर कुछ। वाओ खत्म हो गया। एक सेकेंड, व्हाट? ओके ओके, तो यहाँ तीन एंडिंग है। स्टीलिंग द डायमंड सेकेंड एपिसोड, एपिसोड टू, मतलब मैं अपनी चॉइसेस पे अलग अलग एंडिंग कर सकता हूँ, ये काफी सारी चीज है। The Tunisian archaeological exhibit open. ये कभी नहीं सुधरेगा। हेनरी भाई क्यों? वो उसने प्लानिंग बना के रखी है पूरी, कि आज तो पूरा डायमंड शायमंड उठा के लेके जाएंगे। ओह स्निक और अबे ऑब्वियसली स्निक यार, स्निकी पिकी। स्निकी पिकी का नाम नहीं सुना तूने? ओह काफ़ी सारी चॉइसेस है। ये क्या है? जंबल हॉपर, अच्छा वो जंप वाले शूज। और ये मैं अपनी है ना दिमाग वाला दौड़ाऊँगा और अच्छी चीज़ें यूज़ करूँगा, कोई घटिया नहीं। और पहली बार में पिकैक्स मैं नहीं यूज़ करने वाला माइनक्राफ्ट मैस की। ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी भी नहीं, टेलीपोर्टर तो अब मैं कभी यूज़ ही नहीं कर रहा, मैं श्रिंक रे यूज़ कर रहा हूँ, शायद छोटा होके जा सकूँ, क्या पता, देख के आते हैं। ओह यहाँ पर गैप है यार, मैं जा सकता हूँ।
बस मुझे कोई खाना ले। ओके मेरी किस्मत खराब है, सीरियसली बहुत गंदी किस्मत है मेरी। पिकैक्स मैं जंप जूट यूज, जंप जेट, जंप हॉपर वाले शूज यूज करता हूँ ना। स्वीट स्लैब ब्रो। ये क्या है, लिक्विडिकेटर, लिक्विडिकेटर है, लिक्विडिकेटर, इससे क्या होगा? आगे क्या भाई, मैं कुछ करना है? टर्न योरसेल्फ इनटू द लिक्विड। अच्छा मैं पानी बन जाऊंगा भाई? आर यू सीरियस? मैं जमीन में गायब हो जाऊंगा? टेलीपोर्टर यूज करूं क्या यार? मैं पिकेक्स पे जाना चाहूंगा। व्हाट? चलो घुस ही गया माइनक्राफ्ट। मेरे को लगा ही था जहां पिकेक्स है वहां माइनक्राफ्ट है। And then I got fired. Pretty lame, huh? Yeah, I don't really like this. Please shut up. बम यूज करूं, हेलीकॉप्टर यूज करूं, एक गन यूज करो। बम यूज कर दूं तो भाई मचाते। ओ काफी अच्छे रिफ्लेक्सेस है इसके। अपन प्लेन यूज करेंगे। ओ इजी पीजी काम हो गया मेरा। यहां पर डायमंड। ओके गार्ड्स भी है साथ साथ में। ओके एलियन रोबर्ट, तेरे पास एलियन कहाँ से आया? व्हाट द हेल, गुड बॉल, ये पोकेमोन बॉल लग रही, यूज करके देखे क्या? ओके चार्ली यार्ड। ओए 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 ओए, ये कौन सा पोकेमोन निकला भाई? व्हाट द हेल क्या हुआ ये? मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया? नहीं, बाइनरी कोड लिख के आ गया भाई। ओके गुड बॉल तो काम नहीं करी, पूरी बैड बॉल है। क्रोबार यूज करते हैं। मैन आई हिट इट व्हेन, एक सेकेंड, ये कुछ चीज सेंस बनाई? मतलब हुआ क्या, मेरी चॉइसेस इतनी खराब है क्या? मैं मशरूम यूज कर रहा हूँ, मारियो वाला। ओ भाई तब भाई मचा दी इसने। ओ ड्रैगन मेरी मदद कर रहा है। मैंने पूरी इस म्यूजियम की हालत खराब कर दी वैसे भाई। देवे ओ समवेयर इन द साउथ वेस्ट। Sir, you might want to come look at this. I'm getting chaos readings at 10.6. It's coming from the museum. My god, it's over 9. What? You Dragon Balls? Hey! Vegeta! Just hit one of those buttons to deal with this pressing. मेरे को इसमें पता सारे गेम्स के references मिल रहे हैं अलग-अलग. अभी Minecraft का मिला, अभी Dragon Balls जी का मिला. Oh! तो ये है, ओके, ओ मेरा हाथ नहीं, किसका हाथ है पता नहीं। सैटेलाइट टॉक्सिक और ये परसेंटेज टाइप कुछ पता नहीं क्या है। मैं ये मैकेनिक वाला यूज करने वाला हूँ। सेटिंग टाइप बाओ। मैंने शायद मुश्किल और बढ़ा दी है। भागो। आई थिंक मेरी चॉइस अच्छी थी पर मुझे डायमंड नहीं मिला। ओहो
ओके ये भी सही है. जस्ट प्लेन एपिक. दैट्स राइट. ओके इन्फिल्ट्रेटिंग द एयरशिप एपिसोड 3 वो हम खेलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी. मैंने वैसे स्टोरेजेस वाली गेम्स इतनी खेलते नहीं पर हाँ इसमें को काफ़ी मज़ा आ रहा है तो आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा. अगर अच्छी लगी है वीडियो तो यार लीव अ लाइक एंड जो भी नहीं आए उस चैनल पर सब्सक्राइब कर दो नोटिफिकेशन बेल दबा दो और मैं मिलता हूँ द हैंड स्टिक मैन के एक और नए एपिसोड में. तब तक के लिए बाय बाय.